तो कैसे हैं आप लोग? तो आ चुके हैं हम लोग द मिस्ट्री सीरीज के 3rd एपिसोड के साथ, और आज हम लोग जा रहे हैं तो ये यहाँ का टिकट काउंटर है, तो यहाँ से टिकट कटवा लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी अंदर आ चुके हैं हम लोग फिरोज शाह कोटला के, और अगर मैं कुछ बेसिक सी जानकारियों के ऊपर बात कर लूं तो स्टार्ट करते हैं वो बेसिक सी चीज़ें। फिरोज शाह कोटला को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था 1354 में। जिनको नहीं पता फिरोज शाह तुगलक कौन थे, फिरोज शाह तुगलक एक तुगलक डायनेस्टी के किंग थे जिन्होंने दिल्ली के ऊपर राज किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने जिस साल फिरोज शाह कोटला बनाया था उसी साल उन्होंने एक शहर भी बनाया था जिसका नाम है फिरोजाबाद। इस जगह को बनाने का रीज़न ये भी था कि तुगलकाबाद में जो फिरोज शाह तुगलक का जो किला था वहाँ पे पानी की समस्या थी, तो उस समस्या से थोड़ा सा बचने के लिए उन्होंने ये किला बनाया था। तो बेसिक सी बातें हमारी हो गई है, तो ये चलिए बात करते हैं यहाँ के आर्किटेक्चर की, लोगों की मान्यता यहाँ से क्या है, वो उसको हॉन्टेड प्लेस क्यों मानते हैं, और साथ ही साथ हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा। अभी के टाइम में फिरोज शाह कोटला कोई खंडर से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इसका आर्किटेक्चर है उस हिसाब से यह पता लगता है कि अपने टाइम में ये एक बहुत ही शानदार महल रहा होगा। यहाँ से आगे जाने के लिए हमको गार्ड ने मना कर दिया, आई डोंट नो वाई। यहाँ से आगे जाने के लिए तो भैया किसी को भी अलाउड नहीं था, खासकर वो जो सर्वे करने आए थे स्टूडेंट्स उनको भी अलाउड नहीं था। एक्चुअली में यहाँ पे पास में एक आर्किटेक्चरल कॉलेज है, और उसके भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग को दिखे मैपिंग करते हुए, ड्राइंग्स बनाते हुए, तो हमने उनसे भी बात की और हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी। अगर हम लोगों की मान्यता के ऊपर बात करें तो लोगों की मान्यता यहाँ से काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो ये मान्यता है कि यहाँ पे जिन रहते हैं, और जिनको भी जो कुछ समस्या होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है या ऊपरी चक्कर होता है तो वो उस जिन से आकर के बोलते हैं, या अगर आ नहीं सकते तो एक पेपर में अपनी समस्या लिखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो रख करके यहाँ पे चिट्ठी चले जाते हैं, और जिनकी मुराद पूरी हो जाती है वो यहाँ पे बिरयानी भी बंटवाते हैं। और इसी फोर्ट के मेन बिल्डिंग में है अशोक स्तंभ, जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये चलिए आ जाते हैं अब हमारे खुद के एक्सपीरियंस की, कि हमको क्या एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे आने के बाद। तो अगर मैं कुछ नॉर्मल सी चीज़ों के ऊपर बात करूं तो काफ़ी ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस था। विजिटर्स के तौर पे सिर्फ शायद हम ही होंगे, बट काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन वो सारे सर्वे के लिए आए हुए थे आर्किटेक्चरल कॉलेज से, जैसा हमने बताया था पहले। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कितने लोगों की मान्यता है यहाँ से जो हॉन्टेड से रिलेटेड है, तो हमको तो कुछ खास वैसा हॉन्टेड लगा नहीं। अब क्या पता शायद हॉन्टेड हो, क्योंकि हम दिन के टाइम पे आए थे और कुछ लोग भी थे तो कुछ खास उतना पता नहीं चला। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जो जींस वाली बात है ना, वो एक टाइम पे सच हो सकता है, क्योंकि हमको मेन बिल्डिंग के अंदर जाने का अलाउड नहीं था। पहले वहाँ जा सकते थे बट अब वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो यही है कुछ यहाँ का बेसिक सा फंडा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट द्वारा इकट्ठा थी, तो कुछ अगर इधर उधर हो गया हो तो कृपया करके क्षमा कर देना, एंड थैंक यू।